Phrase prepositions. Phrase preposition are the group of words that serve as a prepositions. अब देखिए phrase preposition आपके पास एक group रहता है words का और उसको आप लोग as a preposition ही treat करते हैं, ठीक है? The words like जैसे हमारे पास आते हैं according to, along with, because of, in front of, by means of, on behalf of, in accordance with, in addition to, with reference to and in spite of. ये कुछ हमारे पास जो prepositions हैं, ये compound preposition भी बोलते हैं इनको और इनको phrase prepositions भी बोलते हैं और ये group में रहती हैं, ठीक है? Single नहीं होती हैं. I hope आपको clear हो गया होगा. चलिए next देखते हैं. ओके कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं. आई मीन जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कुछ वर्ड्स में, तो हम उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है बिसाइड और एक वर्ड है बिसाइड्स, ठीक है? बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है? अब देखिए दे हैव अ हाउस बिसाइड द सी. बिसाइड द सी मतलब सी के बगल में उनका घर है, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पे बिसाइड्स है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बिसाइड्स बींग रिच ही इज जीनियस टू, मतलब रिच होने के साथ साथ वो क्या है, जीनियस भी है, ठीक है? के अलावा, यहाँ पे ये अलावा का सेंस दे रहा है और ये यहाँ पे सेंस दे रहा है बाय द साइड, मतलब बगल में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. ओके नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सिंस एंड फॉर. ये तो आपने टेंसेस में भी पढ़ रखा होगा कि फॉर आपका पीरियड के लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है? सिंस शुड बी यूज विद द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट and it is used with a present perfect tense. Present perfect tense के लिए भी use किया जाता है. For is used only when you refer to a period of time. और for आपका तभी use होता है जब आपका period of time, जैसे 2 days, 3 days, 1 year हो गया, 1 month हो गया, ठीक है? It's a period of time, तो इसके लिए आप for का use करेंगे. जैसे हमारे पास यहाँ पे first example आप देख सकते हैं, he has been absent since Tuesday, ठीक है? He has been absent since Tuesday. अब देखिए यहाँ पे since Tuesday मतलब एक प्रॉपर टाइम बताया गया है कि ट्यूजडे का डे ही है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो नॉट ही हैज बीन एक्सेप्ट फॉर ट्यूजडे, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर का यूज नहीं, यहाँ पे सिंस का ही यूज करेंगे बिकॉज ट्यूजडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट आपके पास आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 3 days, इट्स करेक्ट बिकॉज 3 days इज अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी हैव टू यूज फॉर देम. ओके तो इसलिए हम लोग यहाँ ने फॉर का यूज किया गया है, तो फॉर का यूज यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. ओके नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन इज यूज टू रेफर टू टू और थ्री सेपरेट पीपल और थिंग्स विच मीन्स व्हेन ओनली टू पार्टीज आर इन्वॉल्व. देखिए बिटवीन आपका सिर्फ वहां पे यूज होगा जहां पे सिर्फ दो लोग ही इन्वॉल्व हो, दो लोगों के बीच की बात चल रही है, वहां पे ही आप क्या करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे. अमंग इज यूज व्हेन द रेफरेंस इज टू अ ग्रुप ऑफ अ पीपल और थिंग्स which we do not see separately, which means when more than two parties are involved. देखिए आप जब among का use करेंगे उस केस में ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब मोर पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, तभी आप क्या करेंगे, among का यूज करेंगे. जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है डिवाइड द फूड among द चिल्ड्रन. अब देखिए चिल्ड्रन यहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? बहुत सारी पार्टीज अलग अलग, बहुत सारे बच्चे हैं, इन दैट केस आप क्या कर रहे हैं, among का यूज कर रहे हैं, ठीक है? Divide this food between Riya and Raman. ठीक है यहाँ पे देखिए दो लोगों के बीच की बात चल रही है, इसलिए हमने between का use किया है. अब आपको समझ आ गया होगा कि आप among का use कहाँ करेंगे और between का use कहाँ पे करेंगे. It's so simple. चलिए next चलते. Okay, next हमारे पास है by and with. दो words है. By is used to refer to the doer of the action. देखिए by का use हम वहां करेंगे जहां हमने जो doer है, हमारा जो action कर रहा है उसको refer करना होगा, ठीक है? With is used to refer to the instrument with which the action is performed. और जो आपका with use होगा वो उस instrument, उस चीज के लिए use होगा जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जिससे action हो रहा है, ठीक है? आपका with which the action is performed, जिसके द्वारा action किया जा रहा है. जैसे आप देख सकते हैं the spider was killed by the boy. अब देखिए killed by the boy, यहाँ पे by आपका use किया गया है, तो किसने किल किया है, लड़के ने किल किया है, बॉय ने, तो बाय उसके लिए आ रहा है, ठीक है? द बॉय किल्ड द स्पाइडर विद अ स्टोन. अब बॉय ने स्टोन के साथ उसको मारा है स्पाइडर को, तो विद आपका किसके लिए आ रहा है, उस स्टोन के लिए आ रहा है कि उसके साथ उसने एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इन एंड एट, ठीक है? इन इज यूज्ड विद लार्ज प्लेसेस लाइक कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट,
large cities, etc. At is generally used for small and unimportant places like villages, small towns, etc. अब आपको पता चला होगा जब आप बोलते हैं कि अगर आप किसी अच्छी सिटी में रह रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इनका यूज करते हैं. जनरली जब आपने किसी जगह का रेफरेंस देना हो जहां आप रह रहे हो, कोई स्मॉल टाउन हो, वहां पे आप लोग एट का यूज करते हैं. ठीक है, जब भी आप बात करते हैं. इन इज यूजुअली यूज विद द लार्ज प्लेसेस. इनका यूज लार्ज प्लेसेस के लिए किया जाता है लाइक कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट, लार्ज सिटीज. और एट का यूज आप लोग करते हैं अनइम्पोर्टेंट प्लेसेस जिनका कोई मतलब नाम भी शायद किसी किसी को पता हो, लाइक विलेजेस आ गए या स्मॉल टाउन्स आ गए. ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं. वी शैल मीट हिम एट द क्लब दिस इवनिंग. ठीक है, हम उससे मिलेंगे क्लब में. ठीक है, एट क्लब मतलब क्लब तो बड़े सारे होते हैं. ठीक है, तो आपने यहाँ पे एट का यूज किया वो बिल्कुल सही है. जैसे आप हम बोलते हैं आई लिव इन इंडिया, इन इंडिया, तो इंडिया वहां पे कंट्री की बात चल रही है इसलिए हमने वहां पे इन का यूज किया, एट का यूज नहीं किया. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑन, इन, एट एंड बाय. ठीक है, एट शोज एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ओ शोज अ मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन शोज अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को एट शो कर रहा है, मोर जनरल एग्जैक्ट पॉइंट को आपका कौन शो कर रहा है, ऑन शो कर रहा है, और इन शो कर रहा है आपके पीरियड ऑफ टाइम को. जैसे आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई हैव अ मीटिंग एट 4 PM. अब यहाँ पे 4 PM एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया है इसीलिए हमने यहाँ पे एट का यूज किया है. ठीक है, द ट्रेन लीव्स एट 2 o'clock, यहाँ पे भी एग्जैक्ट टाइम है 8, इसलिए हमने यहाँ पे एट का यूज किया है. पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो काम आपका चल रहा होगा या जिसके लिए कुछ पीरियड ऑफ टाइम दिया गया होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑन एंड अप. ठीक है, ऑन इज जनरली यूज टू टॉक अबाउट द थिंग्स एट अ रेस्ट. ऑन हम लोग उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो आपकी किस पे होती है, रेस्ट पे होती है. ठीक है, अपॉन इज यूज अबाउट थिंग्स इन मोशन. और अपॉन आपका उस चीज के लिए यूज किया जाता है जो आपकी क्या होती है, मोशन में होती है. जैसे शी सैट ऑन अ चेयर, अब कोई बैठा है तो उस टाइम पे वो रेस्ट पे है. ठीक है, तो इसलिए हमने वहां पे ऑन का यूज किया है. नेक्स्ट है ही जंप्ड अपॉन हिज हॉर्स, अब कोई अपने हॉर्स के ऊपर जंप कर रहा है तो उस टाइम पे वो क्या है, आपका मोशन में है ऑब्वियसली, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे वहां पे अपॉन का यूज करेंगे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है इन और विद इन, दो है हमारे पास. टाइम के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे. इन मीन्स एट द एंड ऑफ द सर्टेन पीरियड. ठीक है, इन आपका वहां पे यूज होगा जब आपके किसी सर्टेन पीरियड का एंड होगा. Within means before the end of a certain period. और within आप तब use करेंगे, यहाँ उसका meaning वो रहेगा कि जब आपके certain period का end होने वाला होगा उससे पहले. जैसे I will finish writing this book in 3 days. अब ये आपको एक certain period बता दिया गया है तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, in का use किया है. ठीक है, उसके बाद I will finish writing this book within 3 days. मतलब before the end of the 3 days. 3 दिनों के अंत के पहले पहले, तो इसलिए हमने वहां पे क्या किया है, विद इन का यूज किया है. अब आपको समझ आ गया होगा कि इन और विद इन में क्या डिफरेंस है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन टू एंड ऑन टू. द डिफरेंस बिटवीन इन टू एंड ऑन टू इज सिमिलर टू द डिफरेंस बिटवीन इन एंड ऑन. ठीक है, इन टू का और ऑन टू का डिफरेंस सेम एज दैट इन और ऑन के डिफरेंस की तरह है. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही थ्रू द हैट ऑन टू द फ्लोर. ऑब्वियसली ऑन टू मतलब ऊपर फेंका है, फ्लोर रूफ के, सॉरी रूफ के ऊपर फेंका है, तो देखिए ऑन की सेंस ही दे रहा है ये भी. व्हेन शी किस्ड द फ्रॉग इट टर्न इनटू अ हैंडसम प्रिंस. तो इन टू मतलब इन की सेंस ही दे रहा है यहाँ पे भी इन टू. ठीक है, चेंज हो रहा है कोई चीज तो वहां पे आप लोग इन टू का यूज कर सकते हैं. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो आपको इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स उठाने हैं या प्रपोजिशंस उठानी है और उनके ऊपर सेंटेंस बना के ट्राई करना है और इसी तरह से आपकी प्रपोजिशंस है जो वो प्रिपेयर होंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.